हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की मिसलेनियस की एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के क्वेश्चंस। तो देखिए, अब तक की अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके कॉन्सेप्ट आप अच्छे से ज़रूर देखें ताकि आपको मिसलेनियस समझने में कुछ भी दिक्कत ना हो, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 2 sin inverse 3/5 को मुझे लाना है 10 inverse 24/7। क्वेश्चन नंबर 3 में है, 2 sin inverse 3/5 को मुझे लाना है 10 inverse 24/7। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा। तो मैंने ये अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी समझाया है कि कैसे आप एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, साइन इनवर्स को टैन इनवर्स में, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में, जिसमें आप चाहो उस इनवर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, 10th क्लास वाला मेथड यूज करके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो sin inverse 3/5 को मैंने थीटा मान लिया, साइन उधर जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 3/5। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले के अकॉर्डिंग साइन थीटा होता है P/H। तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, ये हो गया 3, ये हो गया 5, तो पाइथागोरस से ये आ जाएगा 4, ठीक है जी। तो टेन थीटा क्या होता है भाई, टेन थीटा होता है भाई P/B, तो 3/4 हो गया। तो यहाँ से अगर आपको थीटा चाहिए तो टेन उधर भगा दो तो टेन इनवर्स हो जाएगा 3/4, यानी कि साइन इनवर्स 3/5 को आप लिख सकते हो टेन इनवर्स 3/ पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, ठीक है भाई। इस मेथड से आप किसी भी इनवर्स को किसी दूसरे इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, साइन को हटा रहा हूँ, टेन को लगा रहा हूँ, ये बन गया 2 tan inverse 3/4। अब 2 tan के वैसे तो 3 फॉर्मूले होते हैं, 2 tan inverse x के 3 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या फॉर्मूला होता है, 2x/1 - x². तो देखिए, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले एक साथ चाहिए तो मैंने उसका एक PDF बना रखा है, आप अपना Gmail ID कमेंट करें तो वहाँ पर मैं आपको इसके जो एक सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको प्रोवाइड करूँगा, सेंड कर दूंगा Gmail ID पर, ठीक है भाई। तो जिसको भी चाहिए वो कमेंट कर दे, उसको मैं भेज दूंगा, ठीक है भाई। तो 2 tan inverse x का फॉर्मूला क्या लगेगा, tan inverse 2x/1 - x², 2 tan inverse, यहाँ पर x की वैल्यू कौन प्ले कर रहा है, रोल प्ले, 3/4। तो क्या फॉर्मूला बना, tan inverse 2x, यानी कि 2 × 3/4, और 1 - x² मतलब 3/4 का स्क्वायर। तो ये कट हो गया, तो ऊपर तो आ गया 3/2, नीचे 1 - 9/16, एलसीएम ले लो इसका, तो ये हो जाएगा 10 inverse 3/2, एलसीएम लूंगा 16, 16 - 9, तो ये हो जाएगा 10 inverse 3/2, और ये 7/16। फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन को आप कर दो रेसिप्रोकल, 7/16 हो जाएगा 16/7, तो आंसर आ जाएगा इसका, ये गया 8/24/7, देख लो, यही तो लाना था, 24/7 ही तो लाना था हमको। तो इस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, sin inverse 8/17, sin inverse 8/17 प्लस sin inverse 3/5। आपको आंसर लाना है 10 inverse 77/36। अब देखिए भाई, इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, आप अलग अलग टीचर से पढ़ेंगे, हो सकता है आपको अलग अलग टीचर अलग अलग तरीका बताए, इसके 2-3 तरीके हैं करने के, लेकिन मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने का, क्योंकि मैंने सारे तरीके फॉलो कर रखे हैं तो मुझे पता है कि ये वाली चीज़ जो है वो ईजी है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो तरीका आप फॉलो करोगे तो आपके गलती के चांसेस क्या रहेंगे, कम। ऐसे क्वेश्चंस को करने के क्या तरीका बेस्ट तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। जो पहले वाला नंबर है इसको आप एक्स मान लो, और साइन इनवर्स 3/5 को आप
वाई मान लो, तो साइन जब उधर जाएगा तो साइन एक्स हो जाएगा 8/17 और साइन वाई हो जाएगा 3/5। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। इसको मैंने एक्स माना है, इसको वाई माना है, क्वेश्चन ऐसे बदल गया भाई। इसमें करना प्रूफ का मतलब क्या होता है, LHS RHS को इक्वल लाना, तो मैं अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकता हूँ। मेन तो ये है ना LHS RHS इक्वल आ जाए। तो ये x हो गया, ये y हो गया, x प्लस वाई हो गया tan इनवर्स 77/36। अब tan इनवर्स जब इसको छोड़ेगा, इधर लेकर आ जाओ इसको, तो ये हो जाएगा tan x प्लस वाई। अब मुझे इसका आंसर लाना है, मुझे tan x प्लस वाई को 77/36 के इक्वल लाना है। tan a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b, और मेरे को आंसर लाना है 77/36, है कि नहीं। अब यहाँ पर आ जाओ भाई, मेरे पास sin x है, tan x चाहिए, तो sin क्या होता है, p बाय h होता है ना, ये x है, तो ये 8 हो गया, ये 17 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये 15 आ जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी है आपको, ये 15 हो जाएगा। tan क्या होता है, 8/15, तो tan x होता है p बाय b, यानी कि 8/15 आ गया। यहाँ पर भी आ जाओ, ये y है, ये 3 है, ये 5 है, तो पाइथागोरस से कितना आ गया, 4 आ गया। sin y आपको दे रखा है, tan y क्या हो गया, 3/4, तो tan x हो गया 8/15 और tan y हो गया 3/4। पुट करो 8/15 3/4, 1 माइनस 8/15। अब इसको सॉल्व करके आपको 77/36 बनाना है। दोनों का एलसीएम ले लो भाई, दोनों का एलसीएम आएगा 60। 15 के टेबल में 60 आता है 4/4 = 32, 4 के टेबल में 60 आता है 15/45, इसका भी एलसीएम ले लो, 60 × 60 − 24, ये गया। इन दोनों को प्लस करोगे तो 77 आ रहा है कि नहीं, इसको माइनस करोगे 36, देखो इक्वल आ गया कि नहीं। तो ये सबसे इसका इजी तरीका है क्वेश्चन को करने का, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको समझ में आया होगा। अभी और भी क्वेश्चंस हैं, ऐसे टेंशन मत लो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्वेश्चंस को बस इसी तरीके से करना है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5th पर आ जाओ। 5th में बोल रहा है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13, आंसर क्या लाना है, कॉस इनवर्स 33/65। अब इसको भी आप हम इसी तरीके से करेंगे। पहले वाले को क्या मान लो, पहले वाले को x मान लो और इसको क्या मान लो, y मान लो, तो cos x क्या हो जाएगा 4/5 और cos y क्या हो जाएगा 12/13, है ना। क्वेश्चन चेंज हो गया, ये x माना, ये y माना, तो x प्लस वाई कितना आ गया, cos इनवर्स 33/65, ये लाना है। तो cos इनवर्स को जब इधर भेजूंगा तो ये बन जाएगा cos x प्लस वाई 33/65। अब cos a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है भाई, cos a प्लस बी का वो होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, ये फॉर्मूला होता है। अब मेरे को cos x चाहिए, cos x है 4/5, मुझे cos y चाहिए, cos y भी है 12/13, लेकिन मेरे पास sin x और sin y नहीं है, तो वो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो भाई, हमें पता है कि अगर आपको sin square x चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है 1 − cos² x, और अगर आपको sin square y चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है 1 − cos² y, होता है ना। cos x की वैल्यू 4/5 है, तो उसका स्क्वायर करो जरा, तो ये हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर 16/25, और यहाँ पे cos y है 12/13, इसका स्क्वायर करो जरा 144/169, एलसीएम ले लो भाई, तो ये हो जाएगा 25 − 16/25, और इसका भी एलसीएम ले लो 169 − 144/169, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स ये कितना आ गया 9/25, साइन एक्स कितना आ गया 3/5, तो साइन वाई कितना हो गया 25/169 साइन स्क्वायर वाई, तो साइन वाई कितना हो जाएगा इसका रूट 5/13।
तो मेरे पास साइन एक्स साइन वाई भी आ चुका है, ठीक है भाई। अब फिर से वापस से इस क्वेश्चन पर आ जाओ। कॉस एक्स कितना था भाई? कॉस एक्स है 4/5 और कॉस वाई है 12/13। पुट कर रहा हूँ, कॉस एक्स है 4/5, कॉस वाई है 12/13, साइन एक्स आया 3/5, साइन वाई आया 5/13। आंसर लाना है 33/65, ठीक है जी। ये भी 65, ये भी 65, एलसीएम ले लो 65, तो ये हो गया 48-15। तो 48-15 कितना होता है? 33 तो होता है, 33/, आ गया कि नहीं। तो इस तरीके से करना है आपको इन क्वेश्चंस को, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई। अब 4 हो गया, 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है कॉस इनवर्स 12/13। कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, और आंसर क्या लाना है? साइन इनवर्स 56/65, ये आंसर लाना है हमको, ठीक है भाई। तो फिर से वही, कॉस इनवर्स 12/13 को एक्स मान लो, साइन इनवर्स 3/5 को वाई मान लो। तो यहाँ से कॉस एक्स आ गया 12/13 और साइन वाई आ गया 3/5, ठीक है भाई। कॉस एक्स आ गया और साइन वाई आ गया, क्वेश्चन क्या बन गया? इसको एक्स माना था, इसको वाई माना था, और ये साइन इनवर्स 56/65। साइन को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो साइन एक्स प्लस वाई हो गया 56/65। अब साइन ए प्लस बी का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला होता है साइन कॉस कॉस साइन, ठीक है भाई। साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब आपके पास कॉस एक्स है, ये रहा साइन वाई है, ये दोनों नहीं है तो निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर वाई का फॉर्मूला क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। या छोड़ो इसको, आइडेंटिटी आइडेंटिटी से मत निकालो इसको, उसी से निकालते हैं पंडित बद्री प्रसाद से, वो इजी तरीका है। ये होता है बी अपॉन एच, तो ये 12, ये 13, पाइथागोरस से ये 5 आ गया, और ये वाई अगर मान लिया तो ये होता है पी बाय एच, तो ये 3, ये 5, तो ये 4। तो यहाँ से मुझे बताओ साइन एक्स क्या होगा? 5/5, और यहाँ से मुझे बताओ कॉस वाई क्या होगा? 4/5। बस अब क्या बचा है क्वेश्चन में, पुट करो वैल्यू। साइन एक्स कितना आया? साइन एक्स आया 5/13, कॉस वाई आया 4/5, कॉस एक्स कितना है? 12/13, और साइन वाई कितना है? 3/5। मुझे आंसर लाना है 56/65। तो देख लो भाई, 65 65 एलसीएम ले लो। ये हो गया 20, ये हो गया 36, आ गया कि नहीं। तो आंसर आ गया 56/65 = 56/। तो कभी कभी आइडेंटिटी से हो जाएगा, कभी कभी पंडित बद्री प्रसाद से हो जाएगा, ठीक है जी। सेवन्थ पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में बोल रहा है टेन इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। इसको मुझे एलएचएस आरएचएस इक्वल करना है, तो यहां पर कैसे करेंगे? साइन इनवर्स 5/13 को एक्स मान लो, कॉस इनवर्स 3/5 को वाई मान लो। तो साइन एक्स क्या हो गया? 5/13, कॉस वाई क्या हो गया? 3/5, और ये टेन इनवर्स 63/16 इक्वल टू हो गया एक्स प्लस वाई। टेन को उधर ले जाओ तो 63/16 इक्वल टू हो गया टेन एक्स प्लस वाई। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ भाई। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी। अब आपको टेन एक्स चाहिए तो यहाँ पर फिर से आ जाओ। ये होता है पी बाई एच, तो ये 5, ये 13, तो पाइथागोरस से ये 12। तो टेन एक्स क्या होता है? पी बाई बी ना, 5/12 आ गया, और कॉस वाई 3/5 है ना, यानी बी बाई एच होता है ये, तो ये हो गया 4।
तो टेन वाई कितना हो जाएगा, 4/3। बस 5/12 और 4/3 पुट कर दो, 5/12 और 4/3 पुट कर दो, 5/12 और 4/3 पुट कर दो। एलसीएम ले लो भाई, 12 और 3 का एलसीएम आएगा, 12 ही तो आएगा। 12 के टेबल 12 आता है 1/5, 3 के टेबल 12 आता है 4 4 16। एलसीएम ले लो भाई इसका, ये हो जाएगा 36, तो 36 बन जाए 36 और ये हो जाएगा 20। तो 63/16 लाना है ना, तो ये ऊपर कितना हो गया 16/5, 21/12 और ये कितना हो गया 36 में से 20 गए, 16/36। उल्टा कर दो भाई, तो ये हो जाएगा 21/12 × 36/16। 12 के टेबल में ये जाता है 3 पर, 21 3 हो गया 63/। तो बड़े ही सिंपल तरीके से इसके आंसर्स आ जाते हैं। ठीक है भाई, 8 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है। टेन इनवर्स 1/5, टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8। आपको आंसर लाना है पाई बाय, आपको आंसर लाना है पाई बाय 4। ठीक है भाई, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इन दोनों में टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाओ, और इन दोनों में टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला होता है भाई, टेन इनवर्स दोनों को प्लस कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई, यही फॉर्मूला होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 − x, यही तो होता है। 1/3 प्लस 1/8, 1 − 1/3 × 1/8। तो क्या आएगा भाई एलसीएम लेकर इसका, ये हो जाएगा 7 + 5/35, ये हो जाएगा 35 − 1 और यहाँ पर 24, 8 + 3 और ये हो जाएगा 24 − 1, 24 से 24, 35 से 35 गया, ये हो जाएगा 12/34 और ये हो जाएगा 11/23। ये तो कट नहीं रहा, लेकिन ये कट रहा है, ऊपर 6 नीचे 17 लगा दो, 11/23। एक बार और लगा देंगे फॉर्मूला, टेन इनवर्स ए टेन इनवर्स बी का एक बार और लगा दो। क्या फॉर्मूला है, दोनों को प्लस कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई। फिर से एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, 17 × 23, ये हो जाएगा 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12 और 1 = 13 और ये हो जाएगा 187। एलसीएम आएगा इसका भी 17 × 23, 17 × 23 कितना होता है भाई, 51 34 और 5, 391 −66 कितना आ रहा है सॉल्व करके, ये तो कट गया। ऊपर आएगा 180 और 210 225 और नीचे आएगा 391 में 65 66 गए 225, कट कर आ गया 1। तो भाई आपको पता ही होगा टेन के टेबल में 1 कब आता है, पाई बाय 4 पर ही तो आता है, यही हमको आंसर लाना था। ठीक है भाई, तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करा क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 8 तक। आगे आने वाली वीडियोस में ये आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तब तक अपना साथ बनाए रखें। इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर आप हमको इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक कहीं पर भी फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।